या हाय कुलवंत, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही धन्यवाद आपका आप शो में आए। और क्रिक व्यू में बहुत लोग आपके फैंस हैं और आपको पता ही है कि एलबी शास्त्री की हम बहुत कवरेज करते हैं, तो बहुत सारे लड़के अब आपसे ज़रूर जानना चाहते हैं कि आप सबसे पहले तो बॉलिंग की टिप्स दो कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, इतना लंबा सफ़र आपने क्या कैसे। देखो मैं एक छोटे से गाँव से हूँ, राजस्थान के छोटे से गाँव से हूँ, तो वहाँ पर इतनी फैसिलिटी नहीं थी, ना इतना स्कोप था मेरे लिए और ना मेरे घर वाले इतने वो थे कि मेरे को सपोर्ट कर सके। तो मैं टेनिस बॉल से, गांव में क्रिकेट जो होती है टेनिस बॉल की, वो खेलता था। तो साथ कंपटीशन की एग्ज़ाम है, पढ़ाई मैंने बीकॉम करी है, तो कॉलेज की एग्ज़ाम वगैरह। तो मेरा सपना था कि मैं एक आर्मी में जाऊं। तो पहले मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था, फिर आर्मी की जब मैं, जैसे मेरी उम्र निकल गई 23, तो फिर मेरे था कि ये सपना तो मेरा हो गया। और क्रिकेट वाला सपना था, तो उसमें मेरे लिए कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा था कि मैं कैसे क्रिकेट में जाऊँ, क्योंकि ना घर वालों की तरफ सपोर्ट, ना वहाँ राजस्थान में जहाँ कोई बड़ी एकेडमी जहाँ से प्लेयर निकले हो या फिर अच्छी फैसिलिटी। तो फिर एक मेरे यहाँ दिल्ली में जो मेरे साथ वहाँ गांव में खेलता था, एक मेरा फ्रेंड सुनील, अच्छा। तो वो यहाँ दिल्ली प्रैक्टिस करता था, अच्छा। तो वो मेरे को पहले भी बोलता था कि तू दिल्ली चल, वहाँ मेरे साथ रह लेना, वहीं मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेना, सब कुछ तेरा मैं करूँगा। दोस्त ने बहुत हेल्प करी मतलब। हाँ, तो फिर मैं अब घर वालों को क्या बताऊँ, क्योंकि घर वालों को इतना नॉलेज नहीं था। तो फिर मैंने वहाँ उनसे झूठ बोला कि मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ जॉब के लिए, क्योंकि घर वालों पे प्रेशर आ गया था कि बहन की शादी हुई थी, अच्छा। तो पैसे वैसे लिए, तो उन पे मेरे पे ज़्यादा प्रेशर आ गए थे कि तेरे को कमाना पड़ेगा, तो जॉब वगैरह करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने वहाँ से सोचता रहा 5-7 दिन, फिर मैंने घर वालों को झूठ बोला कि मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ जॉब लगी है ट्रांसपोर्ट में। तो फिर वहाँ से मैं दिल्ली आया सीधा, अहमदाबाद गए नहीं। फिर 7-8 महीने में घर वालों से झूठ बोलता रहा कि मैं अहमदाबाद हूँ कंपनी में लगा हुआ। तो टेनिस के मैं सैटरडे संडे जैपनीज पार्क रोड नहीं रहता था मैं, अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे सैटरडे संडे मैच खेलता था और घर वालों को पैसे भेज देता था, 2-3 बार फ्रेंड से पैसे लिए उनको भेजता रहा। हाँ, तो ऐसे चलता रहा। फिर 7-8 महीने जब हो गए, फिर घर वालों को ऐसे पता चलने लग गया धीरे धीरे। तो पहले मैं यहाँ से जब मैं दिल्ली आया, तो पहले मैं उदयवान क्रिकेट क्लब में गया, अच्छा। तो मेरा यह था कि मैं सोनेट क्लब में जाऊँ, तो वहाँ पे इम्प्रेशन पड़े तारक सेना सर पे, तो अच्छा पड़े। तो फिर मैं 15-20 दिन महीने भर में उदयवान क्लब में जाता रहा, फिर मैं वहाँ से फिर मैं सोनेट क्लब गया, अच्छा। तो वहाँ उन्होंने देखा करा, तो उनको अच्छा लगा। तो वो सैटरडे संडे 2 ही दिन लगती है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मैं 24 का हो चुका था, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं 4-5 साल प्रैक्टिस करूँ, बिल्कुल। तो और मेरे पास जूते भी नहीं थे, स्पैक्स वगैरह कुछ नहीं थे। तो मैं धीरे धीरे टेंशन में भी होने लग गई, क्योंकि घर वालों से 7-8 महीने 9 महीने से झूठ ही बोल रहा था। तो फिर मैं ये था कि मेरे दोस्त वगैरह जो रहते थे वो बोलते थे कि अगर तू गौतम गंभीर को पसंद आ गया एलबी शास्त्री में, तो तेरा वहाँ से अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से नवदीप सैनी और ये जितना भी ये सब सीधा उन्होंने रंजित। तो मेरे था, लेकिन उस वहाँ पे था कि वो छोटे बच्चों को लेते हैं, संजय सर है जो मेरे। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो फिर भी ट्राई करता हूँ। फिर मैं वहाँ से मैं एलबी शास्त्री गया, तो पहले तो मेरे को मना कर दिया था सचिन, सचिन प्रकाश, तो बोले नहीं मैं बड़ों को नहीं लेते। फिर मैंने रिक्वेस्ट करी, मैं राजस्थान से आया हूँ, तो फिर मैं जैसे जाने लगा तो उन्होंने वापस बुलाया, तो फिर उन्होंने देखा तो मैंने अच्छी बोल डाली। तो फिर थोड़ी देर बाद सर आए, सर ने देखा, फिर सर ने पूछा, जूते देखे, मैं बिना स्पाइक जोगर में मैं बॉलिंग कर रहा था। तो फिर उन्होंने पूछा कि तेरे पास स्पाइक्स नहीं है, तो मैंने कहा नहीं सर, ऐसी ऐसी बात है, मैं घर से झूठ बोल गया। उन्होंने कोई नहीं बेटा, तू मेहनत कर, मैं करूँगा सपोर्ट। फिर दूसरे दिन मेरे को बुलाया, तो फिर मेरे को स्पाइक्स, किसी लड़के से स्पाइक्स देके मेरे को बॉल डलवाए, तो फिर मैं थोड़ा और स्पीड आई। तो फिर ऐसे गौतम भी आए 4-5 दिन बाद, उनको बॉल डालने गया मैं, तो फिर उन्होंने सर को कहा कि लड़का तेज है, इस पर थोड़ा ध्यान दो। फिर धीरे सर मेरे को सपोर्ट करने लगे, मतलब अपने बेटे की तरह मेरे को वहीं क्लब, पहले मैं लड़कों के साथ हॉस्टल में था, फिर एक बार उन्हें विश्वास आ जाए तो फिर वो, फिर सर ने मेरे को बोला तू यहीं हॉस्टल में आ जा जो अशोक विहार में। फिर मैं वहाँ पे गया, तो फिर वहाँ पे मेरे ये था कि सुबह उठना, प्रैक्टिस करनी, पूरा सब कुछ वहीं था, जिम भी, ग्राउंड भी, खाना रहना सब कुछ। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने सपोर्ट करते रहे, फिर गौतम भी आया, अमुक भी आया, नीतीश भी आया, ये सब मेरे को रणजी ट्रॉफी जब कैंप लगा तो वहाँ नेट बॉलर के लिए ले गए। तो फिर यहाँ सेलेक्टरों ने देखा, सेलेक्ट किया। बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत मोटिवेटिंग स्टोरी है। मतलब सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि अगर आपकी एज क्रॉस भी हो जाए तो हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहो। अगर आप में लगन है, सपना है कि मेरे को करना ही है, मेरे को पढ़ना, तो कर सकते हो।
बहुत ही अच्छा है, और क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो बोलते हैं हम गरीब बैकग्राउंड से हैं, हाँ, हमारा कुछ नहीं होता। हमारे उधर भी राजस्थान में कई ऐसे हैं जो अच्छे बॉलर हैं, अच्छे हाँ। स्पीड है, लेकिन वो ये कि उनमें वो रह जाता है कि एक जाऊँ नहीं जाऊँ। भेजते रहते हैं वीडियो, बोलते हैं कि आप कुलवंत भैया को दिखाओ, आपके खाओं से ही भेजते हैं, बोलते हैं कि कुलवंत भैया खेल सकते हैं तो हम भी खेल सकते हैं। तो मैंने सोचा आपको, आप डायरेक्टली बात करोगे व्यूअर से तो बहुत अच्छा होगा। तो सबको जैसा कि कुलवंत ने बताया कि अपने खेल में लगे रहो, मोटिवेटेड रहो, अगर सपना देखा है तो उसे आपको पूरा करना है, पर उसके लिए मेहनत सही डायरेक्शन में करनी बहुत ज़रूरी है। और कुलवंत बाकी आप आगे के क्या प्लान्स हैं? आपने आरसीबी में बहुत अच्छा किया, विजय हजारे में भी अभी चल रहा है, तो अभी क्या ये प्लान है? अभी जैसे विजय हजारे चल रही है तो अभी हम क्वालिफाई होंगे, तो क्वालिफाई मैचों में विजय हजारे जीतनी है, फिर रणजी ट्रॉफी आ जाएगी, फिर अभी तो रणजी ट्रॉफी उन पर फोकस है, फिर इसमें अच्छा करके फिर IPL आ जाएगा, तो वहाँ पर अच्छा करना है, फिर 2019 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो ऑल द बेस्ट। मैं चाहूँगा कि आप इंडिया के लिए बहुत जल्दी खेलो, थैंक यू, बहुत अच्छा खेलो।